दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं घर और जीवन से जुड़े वास्तु टिप्स। आज का हमारा विषय है घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार हम सभी जानते हैं कि घड़ी हमारे जीवन में समय का महत्व बताती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीवार पर घड़ी की दिशा भी आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो चलिए जानते हैं सही दिशा और कैसे इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तु के अनुसार घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है कि घड़ी को हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है। क्यों? क्योंकि ये दिशाएं घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। उत्तर दिशा को धन और प्रगति की दिशा माना जाता है। अगर आप इस दिशा में घड़ी लगाते हैं तो आपके घर में समृद्धि और उन्नति का संचार होता है। पूर्व दिशा स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए उत्तम मानी जाती है। इस दिशा में घड़ी लगाने से आपका परिवार स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। वहीं उत्तर पूर्व दिशा एक मिला जुला प्रभाव देती है और यह भी घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। लेकिन ध्यान रखें, घड़ी को कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में न लगाएं, क्योंकि इसे वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाली दिशा माना जाता है। अब बात करते हैं घड़ी के आकार और रंग की। सही दिशा के साथ साथ घड़ी का आकार और रंग भी बहुत मायने रखता है। अगर आप उत्तर दिशा में घड़ी लगा रहे हैं तो चौकोर या आयताकार घड़ी का चुनाव करें। इसका रंग नीला या सफेद होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा जल तत्व से जुड़ी होती है। पूर्व दिशा के लिए गोल आकार की घड़ी सबसे शुभ मानी जाती है। यहाँ पर हल्का हरा या ब्राउन रंग की घड़ी लगाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह दिशा वायु तत्व से जुड़ी होती है। उत्तर पूर्व दिशा के लिए हल्का नीला या सफेद या पीला रंग सही होता है। इससे घर में संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों, घड़ी न सिर्फ हमें समय बताती है, बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता भी लाती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप घर में सही दिशा में सही आकार और रंग की घड़ी लगाएं। साथ ही ध्यान रखें कि घड़ी हमेशा चालू होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बंद घड़ी या टूटी घड़ी घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है, इसलिए ऐसी घड़ियों को तुरंत बदल देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी की सही दिशा आकार और रंग को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लाते रहें। और हमेशा याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत। राधे राधे।